दोस्तों, मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने क्यों सुसाइड किया? आखिर ऐसे क्या हालात होते हैं कि कोई सुसाइड कर बैठता है? तो दोस्तों, मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने सुसाइड कर लिया, जिस वजह से बॉलीवुड सदमे में है। तमाम फिल्म सितारे मलाइका के पिता के घर पहुंच रहे हैं उन्हें संतावना देने। दोस्तों, उनके एक्स हस्बैंड सुहैल खान और उनका पूरा परिवार मलाइका के शोक में शामिल है। अनिल अरोड़ा ने आत्महत्या क्यों किया, अभी ये स्पष्ट नहीं है। दोस्तों, पुलिस जांच कर रही है। मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने अपने मुंबई के बांद्रा के घर के बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। उनका शव पोस्टमार्टम के लिए जा चुका है। दोस्तों, मलाइका अरोड़ा और अमृता के पिता अनिल अरोड़ा मर्चेंट नेवी में सेवा दे चुके थे। इन्होंने मलयाली क्रिश्चियन जैस पालिकर्ट से शादी की थी, लेकिन इन दोनों की शादी ज्यादा लंबी नहीं चली थी। जब मलाइका महज 11 साल की थी, तभी दोनों में तलाक हो चुका था, दोनों अलग हो चुके थे। लेकिन इनकी दोनों बेटियां मां के साथ ही रहा करती थी। फिर जब दोनों बेटियों की शादी हो गई, मां जब अकेले हो गई, तो फिर वो पिता के साथ अनिल के साथ रहने लगी थी। दोस्तों, लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि अनिल अरोड़ा ने ऐसा कदम उठाया? वैसे दोस्तों, इनकी सेहत ठीक नहीं रहती थी, वो बीमार भी रहा करते थे। ये बात उनके ही फोन कॉल से पता चलता है, जब उन्होंने अपने आखिरी वक्त में अपने दोनों बेटियों से बात की थी और उनका कहना था कि मैं थक चुका हूँ, अब मैं हार गया हूँ। वैसे दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जब किसी इंसान को बीमारी से उबरने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो वो इंसान सुसाइड का कदम उठा लेता है। साइकोलॉजी के हिसाब से उस वक्त उस इंसान की मनोस्थिति कुछ इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि वो ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, रिलेशनशिप कोच विशाल भारद्वाज का सुसाइड केस पर कहना है कि जब कोई इंसान अपनी जिंदगी खत्म जैसे करने जैसा मुश्किल फैसला लेता है, उस वक्त उसकी मनोस्थिति बहुत ही कमजोर होती है। लंबे वक्त तक बीमारी का दर्द से गुजरते रहना इंसान को ऐसा फील करा देता है कि अब वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। उस हालात में लोग सुसाइड करने जैसा कदम उठा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हालात चाहे जैसे हो, उनसे लड़ना चाहिए, क्योंकि कभी भी भगवान की दी हुई जिंदगी को यूं बर्बाद नहीं करनी चाहिए। उम्मीद रखना चाहिए कि हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों, लाइफ में विल पावर ही इंसान को जिता सकता है। छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना।